वक्त जुड़े हुए इसराइल से, लगातार वो पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं नीरज, क्योंकि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि हवा पानी तक बंद करने की फिराक में इसराइल है हमास का, अभी क्या रणनीति युद्ध के लिहाज से अगर हम जानना चाहें इसराइल की, तो वो दिखाई दे रही है? देखिए, आपने ठीक कहा कि गाजा पट्टी में इसराइल ने सारा कुछ, पानी, तेल, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, ताकि हमास के लोगों का रिटेलिएशन जो पावर है वो अटैक कर रहे हैं वो कम हो सके। हमारे साथ बेनी बेंजामिन है, हर वो पहलू न्यूज 18 इंडिया पे लोगों को समझाएंगे कि गाजा पट्टी में इस वक्त क्या हो रहा है। हालांकि खुद रामला में रहते हैं, और बता दें जो न्यूज 18 इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं, खुद मुंबई से आए थे 70 के दशक में, और बीएमसी जिस तरह से मुंबई में है उसी तरह से यहाँ के काउंसलर भी रह चुके हैं, यहाँ के लोकल म्यूनिसिपैलिटी में इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बेनी बेंजामिन भारतीय मूल के, और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि इसराइल में भारतीय मूल के जो यहूदी हैं वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी संख्या 90,000 के करीब है। सर, पहले तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं आज की तारीख में भारत में कि गाजा पट्टी की स्थिति क्या है, 800 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1,000 से ज़्यादा लोग इसराइल में मारे गए, गाजा पट्टी की स्थिति क्या है आज? पहली बात, मीन्स 1,200 इसराइलीज़ को मार दिया है, मारे गए हैं नहीं, मार दिया है उनको, पर्पस दिया, मार दिया, वो पर्पस दिया कि जो हमास ने अटैक किया है वो उन लोग को मार दिया है, और ये आर्मी नहीं है, ये पैलेस्टीनियन नहीं है, ये टेररिज्म है, ये टेररिस्ट है जो हमास आज़ा में रहते हैं। परिस्थिति ऐसी है, क्या हम लोग को बहुत दर्द होता है, क्या पैलेस्टीनियन को भी हमारे जैसे मरना लगा है, बट इट वॉज देयर चॉइस, उन लोग का चॉइस था, हमारा चॉइस नहीं था। हमारा चॉइस ऐसा है क्या पीसफुल रहना है, उनका चॉइस ऐसा है क्या हमास को लेके फाइट करना है हमको, दैट्स द ओनली डिफरेंसेस बिटवीन अस। आई थिंक मेरे सोच से उन लोग को जब पीसफुल रहना रहेगा तो वी आर मोर देन, पीसफुल उन लोग को रहना होगा, अभी तक उनके लोग भी 800 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आप कह रहे हैं कि बॉर्डर को कैसे सिक्योर किया, आपने कहा कि बॉर्डर को सिक्योर किया है इसराइल ने, कैसे बॉर्डर ने सिक्योर किया? हमारे बॉर्डर ने, हम लोग ने सिक्योर कैसे किया? वहाँ पानी नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, उधर अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है उन लोग को, उधर उनको लाइट नहीं मिल रहा है, उसके लिए नहीं कि हम लोग को उनको ये करना था, उन लोग ने हम लोग के साथ चालू किया, उन लोग ने हमारे होस्टेज लेके गए, और ये अभी एक्चुअली डेमोस्पेट, हम लोग सिविल को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम लोग जब बॉम्बिंग भी कर रहे हैं तो वी आर नॉकिंग ऑन द डोर्स दैट वी आर कमिंग एंड बॉम्बिंग देम। आई एम सॉरी, आई एम थोड़े थोड़े मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ, बट हम लोग नॉक करके उन लोग को बोलते हैं कि बाबा प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, वी आर गोइंग टू बम्बार्ड नाउ। यानी बम गिराने से पहले इसराइल पहले बता रहा है कि जो फिलिस्तीन है, जी